लैंडस्केप ऑफ द सोल एक बहुत ही अच्छा चैप्टर है जो हमें ना एक्चुअली हमारे दिल के लैंडस्केप के बारे में बताता है, जो हमारी आत्मा का लैंडस्केप है जहाँ पे पिक्चर्स या फोटोज या पेंटिंग्स रजिस्टर हो जाती हैं। नेताली ट्रेवरॉय ने हमें ये बताया है कि आर्ट एक तरीका है जो हमें हमारे आत्मा के पास लाता है। ये कहानी शुरू होती है हमें एग्जाम्पल देते हुए, मतलब उन्होंने हमें एग्जाम्पल दिए ये समझाने के लिए कि किस तरीके से आर्ट जो है वो हमारे दिल में जगह बनाती है और किस किस अलग अलग टाइप की आर्ट पाई जाती है। तो दो पैरेलल एग्जाम्पल हम देखते हैं आर्ट के, वो एग्जाम्पल से शुरू होते हैं। पहला वो हमें चाइनीज़ बताता है कि चाइनीज़ लोग आर्ट को या लैंडस्केप को किस तरीके से देखते हैं। तो कहानी में शुरू में एक वु डाओजी एक पेंटर है जिसको राजा जो तांग एम्परर था ज़ुआंगज़ो, उसने हुक्म दिया था कि मेरे लिए एक लैंडस्केप बनाओ। बना दिया पेंटर वु डाओजी ने एक सुंदर सा लैंडस्केप। राजा ने बड़ी तारीफ की, कहा भाई ज़बरदस्त चीज़ बनाई है, बहुत सुंदर बनाया है। देखिए पेंटर ने उससे पूछा कि वो यहाँ पे इसको दिख रहा है कि इसकी आत्मा कहाँ है। फिर उसने दिखाया कि एक पहाड़ है और पहाड़ के नीचे उस पेंटिंग की आत्मा है। उसने ताली मारी पेंटर ने, दरवाज़ा खुल गया और घुस गया वो पहाड़ की फुट में जहाँ पे एक दरवाज़ा खुला। लेकिन जब वो पेंटर घुस गया उसके बाद वो दरवाज़ा बंद हो गया, ना कभी पेंटर मिला, ना पेंटिंग मिली, ना पेंटर का एक ब्रश भी मिला कभी इस दुनिया में। ये था एक एग्जाम्पल जिसमें उन्होंने हमें बताया कि किस तरीके से जो पेंटिंग्स हैं चाइना में वो आत्मा की फील लेती हैं। वो एक फिजिकल एंटिटी नहीं होती, उसके अंदर पेंटर अपनी आत्मा डालता है। देखने वाला उसे हर पर्सपेक्टिव से देख सकता है, जिस तरफ से चाहे, जिस डायरेक्शन से चाहे। वेलकम टू इंग्लिश चार्टर बॉक्स। आज हम समरी कर रहे हैं लैंडस्केप ऑफ द सोल की। प्लीज डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्योंकि हम हर फ्राइडे एक वीडियो समरी जरूर डालते हैं किसी ना किसी चैप्टर की। और अगर आपको कोई बहुत जरूरी चैप्टर चाहिए हो तो आप जरूर मेंशन करिएगा कमेंट सेक्शन में। और किसी को अगर इमीडिएटली जाके पूरी समरी खुद रीड करनी हो तो वह हमारे ब्लॉग पे आ सकता है और आराम से रीड कर सकता है। ब्लॉग का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। और वो स्टूडेंट्स जो अपने इंग्लिश बेटर करना चाहते हैं वो हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। हमारा इंस्टा हैंडल है @ENGChatterbox। वहाँ पे हम हर अल्टरनेट डे नए वर्ड्स डालते हैं जोक्स के साथ, ताकि आप उन्हें पढ़ के एंजॉय भी करो और आपको नए शब्द याद भी हो जाएं, ताकि आप अच्छे अच्छे क्रिएटर्स लिख सको और आपके आर्टिकल्स बेटर हो जाएं एग्जाम्स में। और थम्स अप दीजिएगा अगर आपको अच्छा लगे हमारा ये वीडियो। नाउ लेट्स कैरी ऑन विद द स्टोरी। तो अब तक हमने पढ़ा कि किस तरीके से वु डाओजी के एग्जाम्पल से ऑथर ने हमें बताया कि चाइनीज लोग जो हैं वो किस तरीके से किस आइडियोलॉजी पे काम करते हैं। सेकेंड एग्जाम्पल था यूरोप से। एंटवर्प के इलाके में एक ब्लैक स्मिथ था, मतलब लोहार था, जिसका नाम था क्विंटन मैथ्सी, जिसको प्यार हो गया एक पेंटर की बेटी से। बट क्योंकि वो लोहार था तो उसको तो पसंद आया नहीं पेंटर को ये वाला आइडिया कि वो एक लोहार को अपना दामाद बना ले। क्विंटन ने सोचा मैं कैसे इम्प्रेस कर सकता हूँ उसे। उसने क्या किया, एक दिन अचानक चुपचाप से स्टूडियो में घुसा और एक पैनल के ऊपर एक मक्खी बना दी। इतनी अच्छी मक्खी थी, इतनी रियल लग रही थी कि जब पेंटर वापस आया तो उसने उसे मारने की कोशिश की। वो स्वैट कर, जो मक्खी मारने वाला होता है उसे स्वैट करते हैं, मक्खी को मारते हैं। उसने मक्खी मारने की ट्राई की और फिर जो समझ आया कि ये तो पेंटिंग थी, एक्चुअल मक्खी तो है नहीं, तो उसने उसी वक्त उसे अपना शागिर्द बना लिया और अलाउ भी कर दिया कि वो उसकी बेटी से शादी कर सके। अब ये दोनों स्टोरीज अगर आप देखो तो आपको पूरा आइडिया दे देती हैं कि किस तरीके से हम पेंटिंग में डिफरेंसेस देखते हैं। इनफैक्ट चाइना की जो क्लासिकल स्टोरीज हैं, चाहे वो कन्फ्यूशियस आइडियोलॉजी पे हो या जुआंगजी हो, वो सारी मेंशन करती हैं कि आर्ट जो है ना वो एक शीशा होता है, एक दर्पण होता है इंसान की आत्मा का। तो याद रखने के लिए सबसे आसान है एक तो ये दो एग्जाम्पल याद रखना और दूसरा डिफरेंसेस कर लो आर्ट में क्या डिफरेंस है चाइना और वेस्टर्न कंट्रीज में। चाइनीज आर्ट जो है ना वो कंसेप्चुअल होती है, मतलब वो कंसेप्ट पे काम करती है, वो पूरा एक सोल लेके चलती है, वेयर इज वेस्टर्न।
कंट्रीज में फिगरेटिव होती हैं, यानी कि जैसी चीजों वैसी दिखा दी। तो पहला डिफरेंस हुआ, इट डजंट रिप्रोड्यूस एन एक्चुअल व्यू। चाइना जो है वो एग्जैक्ट रेप्लीकेट नहीं करता, मतलब ऐसा नहीं कि छाप दिया जो सामने दिख रहा हो। जैसे कोई पेंटर्स ग्लास या पेंटिंग बनाते हैं तो उसको एग्जैक्टली वैसा दिखाते हैं, चाइनीज पेंटिंग एक्चुअल व्यू नहीं होता। वेर एज वेस्टर्न पेंटिंग जो है वो रिप्रोड्यूस करती है एक्चुअल व्यू, और या इल्यूजनिस्टिक लाइकनेस कह दो, इतना ज़्यादा इल्यूजन क्रिएट करती है कि आपको लगेगा वो एग्जैक्ट सेम चीज़ है। चाइनीज पेंटिंग ना एक सिंगल व्यू नहीं देखती, मतलब इट्स नॉट अ सिंगल व्यू, सो वन कैन व्यू इट फ्रॉम डिफरेंट परस्पेक्टिव। हो सकता है आप पेंटिंग को एक दूसरी डायरेक्शन से देखना चाहो या दूसरे व्यू पॉइंट से देखना चाहो। जैसे एक पोएम होती है, उसको हम अलग अलग तरीकों से व्यू कर सकते हैं। हो सकता है पत्ते का गिरना किसी को जिंदगी के बराबर लगे, किसी को खुशियों के गिरने बराबर लगे। तो इसी तरीके से जो सिंबलिज्म होता है वो इम्पॉर्टेंट है। चाइना में ना एग्जैक्ट चीज़ नहीं है, आप अलग अलग तरीकों से उसे खुद व्यू कर सकते हो। वेर एज वेस्टर्न पेंटिंग्स में पेंटर चाहता है आप उसी की आँख से देखो, जैसे उसने उस ग्लास को या उस बॉटल को पेंट किया, आप भी उसे वैसे का वैसे ही व्यू करो। और इसी चाइनीज पेंटिंग के कंसेप्ट को समझाते हुए ऑथर हमें बताता है कि डाओइस्ट व्यू क्या होता है। उसके हिसाब से एक डाओइस्ट व्यू होता है जो जिसके अंदर सबसे इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है शांशुई का। शांशुई मतलब एक लैंडस्केप को रिप्रेजेंट करती हुई चीज़। शांशुई मतलब पहाड़ और पानी, यांग जो पहाड़ को रिप्रेजेंट करता है वर्ल्ड, और यिन जो पानी को। तो शांशुई जो है वो एक लैंडस्केप को रिप्रेजेंट करता है, यांग मतलब जो पहाड़ है वो मेल के लिए, जो पावरफुल है, स्टेबल है, वार्म है और बहुत स्ट्रॉन्ग एटीट्यूड लेके चलता है। वेरस येन जो है वो फीमेल एस्पेक्ट को रिप्रेजेंट करता है, जहाँ पे फ्लूइडिटी है, मॉइस्ट है, कूल है, सॉफ्टनेस है। और जो इंटरैक्शन है इस मेल और फीमेल का, जिसके अंदर एक मिडल वॉइड क्रिएट होता है, उसे ऑथर कहता है वो है नोशन डाओइज्म का। और जब चाइना में लोग पेंटिंग बनाते हैं ना, तो ये जो बीच का जो इंटरैक्शन स्पेस है इसे वाइट पेंट करते हैं। अब इसी लॉजिक को कि मतलब पहाड़ और पानी के इंटरैक्शन को अगर आप एक मैक्रो व्यू में लो, मतलब बड़े लेवल पे या बड़े स्केल पे चीज़ को देखो, वो कहता है हमारा ऑथर कि स्वर्ग और धरती, इन दोनों के बीच में जो इंटरैक्शन होती है ना, वो होती है इंसान की वजह से। इंसान वो कॉन्ड्यूइट है या इंसान वो जुड़ाव है जो दोनों चीज़ों को जोड़ता है। तो इसलिए चाइनीज पेंटिंग में इंसान को बनाया तो जाता है, पर सजेस्टिव तरीके से। ऐसे नहीं कि एग्जैक्ट आपको इंसान खड़ा दिखेगा, मगर उसकी एक रिप्रेजेंटेशन होगी, उसको रिप्रेजेंट करेगा, क्योंकि वो एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो स्वर्ग और धरती को जोड़ता है। अब चलते हैं सेकेंड पार्ट ऑफ द चैप्टर। सेकेंड पार्ट ऑफ द चैप्टर के अंदर ना इन्होंने एक आर्ट ब्रूट के बारे में बताया है। आर्ट ब्रूट जो है वो बताता है हमें किस तरीके से आर्ट जो है वो आउटसाइडर्स भी पेंट कर सकते हैं। यानी कि अगर आपने कॉलेज डिग्री नहीं ली, आपने सर्टिफिकेट नहीं लिया, उसके बावजूद भी आपके अंदर टैलेंट है और आप बहुत सुंदर बनाते हो, तो आपको आउटसाइडर माना जाता है। आपकी आर्ट जो है वो आउटसाइडर की आर्ट है। एक आउटसाइडर वो जो ट्रेंड नहीं है लेकिन बहुत सुंदर बनाता है, और मेन स्ट्रीम से भी अलग होता है उसका काम, क्योंकि जो ट्रेंड होगा उसे एक सर्टेन पैटर्न पे सिखाया जाएगा। आउटसाइडर को कोई पैटर्न तो दिया नहीं है, तो वो कुछ भी बनाएगा लेकिन वो अलग और सुंदर होएगा। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है चंडीगढ़ के रॉक गार्डन। आई होप आप लोगों ने सबने देखे हो कि कितने सुंदर हैं। नेक चंद ने वो इतनी छोटी छोटी चीज़ों से बनाया, एक जंगल का पैच क्लियर किया और उसके बाद एक सुंदर सा स्वर्ग बना दिया, जिसे दुनिया के हर कोने से लोग देखने आते हैं। सिंक टूटा हुआ हो, पॉट हो, चूड़ियाँ हो, सब चीज़ों का इस्तेमाल करके उसने बहुत सुंदर रॉक गार्डन बनाया है। उसको पूरी दुनिया ने अप्रिशिएट किया, उसे बहुत इनाम मिले, बहुत अवार्ड्स मिले हैं। और नेक चंद कहता था कि उसे सबसे अच्छा ये लगता था कि लोग आते हैं और वहाँ इंजॉय करते हैं। उसके लिए सबसे बड़ा प्राइस ये था कि लोग कहते हैं कि उन्हें अच्छा लग रहा है वहाँ पे। थैंक यू एंड आई होप आप लोगों को भी ये चैप्टर समझ आया हो और अच्छा लगा हो। अगर आपको कोई डाउट्स हो तो आप प्लीज़ नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर अपने क्वेश्चन पूछिएगा। आई विल बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प। थैंक यू।